गिरोगे? हाँ क्या कर रहे हो? सो क्यूट। हाय हाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये जो मेरा चार्जर है हमेशा लटका ही रहता है। सो अभी बज रहे हैं दिन के 11। और हाँ, आप लोगों ने मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग देखा कि नहीं देखा, मुझे कमेंट करके बताना। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं, तो मैंने आपका वेट ख़त्म कर दिया है। तो आपने उस दिन अच्छे से नहीं देखा था। तो ये है ये कोलाज, इस पर मैंने फ्रेम नहीं कराया है, मैं इसको बाद में फ्रेम करवाऊँगी। सो और फेस ग्लो कर रहा है क्या? बाहर से धूप आ रही इसीलिए। सो अभी मैं पी रही हूँ मैंगो शेक, मैंने बनाया है मैंगो शेक। तो उसके बाद मुझे आज छोटू की हेयर में हेयर स्पा करना है। हम लोगों ने कब से हेयर स्पा लिया हुआ था? नवंबर में जब हम लोग घर आए थे, उस टाइम से तो बचा हुआ है। तो आज मैं करने वाली हूँ छोटू के हेयर स्पा। अभी मैं मैंगो शेक पी रही हूँ, अभी इसमें भी कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो चलिए वो आपको बाद में बताती हूँ। सो चलिए मैं अपना मैंगो शेक फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइज, अभी मैंने अपना मैंगो शेक फिनिश कर लिया है और मैं आ गई हूँ बाहर। धूप हो रही है, अभी मॉर्निंग से धूप नहीं थी, बस अभी अभी धूप स्टार्ट हो गई है। सो मैंने सोचा चलो, मैं बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात नहीं करे हुए, आज कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं ऐसा कपड़े सूखे नहीं है, थोड़ी देर में उठाती हूँ इनको। अब मैं आ गई हूँ अंदर, देन उसके बाद हाँ चलिए मैं आज एक काम करती हूँ, आप लोग को अपना हाउस टूर करा देती हूँ क्योंकि आप कब से बोल रहे थे। वैसे तो गाइस अगर मैं बात बताऊँ तो ये हमारा अपना घर नहीं है, ये हमारा रेंटेड हाउस है, हम लोग का घर बन रहा है। सो अभी तक तो कंप्लीट हो जा रहा था, बट लॉकडाउन की वजह से हमारा काम रुक गया, तो अभी 2-3 महीने हमें वहाँ जाने में लग जाएंगे। सो ये जैसे मामा मामी हैं उनका घर है, तो हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि हाउस टूर कराओ। सो चलिए आज मैं आपको हाउस टूर करा देती हूँ, शुरू से करा देती हूँ फिर, क्योंकि ये वाला रूम तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा ही है। तो चलो बाहर से एंटर करके दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा आएगा के। ओके गाइस, ये है गेट, ये देख सकते हैं यहाँ से हम लोग जाते हैं अंदर को। और ये मामा जी की कार है, तो कार की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाते हैं यहाँ पे। और एक चेयर यहाँ पे हमेशा रहती है, वो दादी के बैठने के लिए कभी बैठ जाती हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट रूम। जैसे कि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था। सो ये वाला बेड मेरा है, वो छोटू का है, एंड देन वो छोटू की पेंटिंग है, फोटोज़ हैं। और ये वाला मेरी कवर्ड है, और वो मेरा ट्राईपॉड है, बॉटल, और वो मेरी मेडिसिंस हैं। बाकी आप लोगों को तो पता है कि रेंट के घर पे रहना कितना मुश्किल होता है, बहुत कंजेस्टेड होता है। दैनी में हाय। सो बगल में दूसरा घर है, और ये मेरे चन्नू मुन्नू हैं। चलिए आगे कराते हैं, ये गैलरी है। ये हमारा किचन है। सो ये देख सकते हैं, अभी यहाँ पे वो बर्तन मामी लेके आई थी, तो बाकी ऊपर डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। थोड़ा छोटा किचन है, बट हमें कंजस्ट मतलब हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है। फ्रिज वगैरह है, नीचे मामी ने बकेट वगैरह रखी हैं। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड रूम जहाँ पे मम्मी और दादी बैठ रखी हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे मंदिर बना रखे हैं।
बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि दो दो बेड और बाकी कवर्ड वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मम्मी वहाँ पे सिलाई का काम कर रही हैं, और टीवी भी अभी हमने एक्सचेंज नहीं की है, बाद में ही करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बक्से वगैरह हैं, और ये है मम्मी की कवर्ड है, और ऊपर उनके सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं। एवरीवन, ये है हमारा छोटा सा घर, टू रूम सेट, और आप लोग तो समझ सकते हैं कि रेंटेड हाउस में रहना मतलब थोड़ा सा कितना मतलब एडजस्ट करना होता है। सो ये है हमारे दो रूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम। बट हमारे मकान वाले काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो रिलेटिव भी हैं, और हमारा घर अभी 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा काम रुक गया था है। अभी स्टार्ट हो गया है, बट 2-3 लोग ही आ रहे हैं अभी भी। लेट्स सी कब तक बनता है। जल्दी ही मैं अपना नया घर दिखाऊंगी। यहाँ से थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं जा नहीं सकती, इस टाइम पे ड्राइव भी नहीं कर सकते, इस टाइम पे ऑटो वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। जल्दी ही शेयर करूँगी। सो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। नीट एंड क्लीन ये सब मम्मी ज़्यादा रखती हैं हमसे ज़्यादा, और वहाँ पे मम्मी सिलाई कर रही थी, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला। बाकी हम लोगों के भी पुरानी टीवी, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नए घर में जाए तो हर चीज़ नया लें। एंड अभी तक तो मेरे को जो मे मतलब 3 साल हो गए, मेरी शादी का बेड भी नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग गाँव कम जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा सामान है। तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे बेड है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो शादी वादी का बेड वेड था, हम लोग अपने नए घर में जाएँ, उसके बाद ही लें उनको। सो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी छोटू गई हैं ATM, तो मैं सोच रही हूँ वो आ जाए, फिर उनकी हेयर स्पा करेंगे। और ये वाला मैंने अभी रेड धागे में लगा दिया, क्योंकि निकल गया था, और इसलिए भी बीच में खुल गया था, तो मैंने भी इसको जोड़ दिया है, जब एनिवर्सरी के पहले दिन ही जोड़ रखे हैं। सो अभी ये मैंने इसमें डाल दिया। आप लोग बताओ कैसा लगा है इसमें, कि मैं इसको निकालना नहीं चाहती हूँ ना। ये मेरा विष्णु प्रतिमा है, जो हमारे यहाँ के, उनको तो पता ही होगा। सो चलिए गाइस मिलते हैं। और आजकल बहुत गोलू मोलू हो रही हूँ ना, क्योंकि इस टाइम में बहुत खाना वाना भी खाती हूँ, और खाना भी ज़रूरी है, बाकी जिसको जो बोलना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। एंड अगेन मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है, बाकी सब कुछ कर लिया। और मेकअप वगैरह की बात करूँ, आजकल आपके सामने ऐसा है कि नेचुरल, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आजकल, आजकल ज़्यादा ओवर मेकअप करना भी नहीं चाहिए। सो गाइस चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पे छोटू को पता नहीं, मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, उन्होंने ना हेयर स्पा और स्टीम लेके बैठ रखी हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाई पहले, मैं भूल गई थी, तो उनको नहीं पता मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। गाइस गुड इवनिंग। देखो मैं ड्रेस चेंज कर दी है, एक्चुअली नहाया ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सो ड्रेस चेंज कर दी। अभी मैं आ गई हूँ छत में, मौसम देखो काफ़ी अच्छा है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6, यहाँ पे इंदिरा काफ़ी आजकल तो खैर सभी जगह लेट में होता है, इधर काफ़ी देर में ही होता है। ये है दादी बैठ रखी छत में, इतनी गर्मी हो रही है ना, बुरा हाल है। देन एक चीज़ दिखाऊं, सो ये है कच्चे आम, मम्मी ने अचार के लिए डाल रखे हैं। सो छोटू के मतलब वो कर हेयर स्पा कर दिया था, बट ये पापा जी वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, तो मैंने उठाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैंने अभी नेट ऑफ कर दिया अपना। सो हेयर स्पा किया था, लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं करा, उस टाइम पे मैं भी बहुत थकी थकी सी थी, और बहुत गर्मी और थी, इरिटेशन टाइप और थी, तो नहीं किया। देन बस वही सिंपल सा घर, ऐसा तो था नहीं कि होम मेड था, तो मार्केट से ख़रीदा हुआ ही था। सो हाँ, तो मैं ये कहती आजकल ना मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, हमसे ज़्यादा दूसरों को प्रॉब्लम होती है हमसे। तो मुझे एकदम दिन मतलब ऐसा सुनने में आया कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब रहती है, यानी कि अखरोट और बादाम। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अखरोट बादाम खाने से तबीयत ख़राब होती है, अगर हम लोग 2 पीस अगर अखरोट खा लेते हैं तो। मेरा गला ख़राब हो रहा है, पता नहीं यार क्या चुल्ला लूँ। अब मैं बताती हूँ मुझे क्या हो रहा है, कि मुझे लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है, तो ये क्या खाने से, लोग डॉक्टर बोलते हैं बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो मतलब डॉक्टर बेवकूफ़ हैं, और बाकी जो लोग ये बोल रहे हैं वो सही है, क्या है यार, बहुत गुस्सा आता है मुझे। खैर छोड़ो, सो कल आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है, इसके बाद मीन्स कुछ स्पेशल सरप्राइज़ आप लोगों के लिए भी,
सो कल नहीं कर पाऊँगी, आज है 8 तारीख, कल 9 है। बाय द वे आज पापा जी का बर्थडे है, प्लीज़ उनको विश करना आप लोग मुझे कमेंट करके। देन अगेन कल कुछ खास है सो इसका वीडियो आप लोग तक पहुंच जाएगा बहुत ही जल्दी, 9 को नहीं तो 10 को तब भी पहुंच जाएगा। सो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, चलो मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ का वेदर और यहाँ का जो व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं जूड़ा बनाऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। वन ये लोग भिंडी के खेत में काम कर रहे हैं अभी, आई थिंक वो जो फालतू घास वगैरह होती है उसको खाड़ रहे हैं। ये बच्चा ना बहुत क्यूट है। हे हाय हाय, गिरोगे हाँ, क्या कर रहे हो, सो क्यूट। हाय हाय बाय, गिरना नहीं है, ये तो बंद है। सो गाइस ये इन्हीं का बच्चा है, ये देखो हाय करो बाय। ये है अम्मा के दोस्त, हमारे बेस्ट फ्रेंड, मामा हाय। सो एवरीवन ये सारे बच्चे इन्हीं के हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और सुबह से लगे हैं बेचारे, इनको इतनी धूप हो रही है ना। सो ये लोग भिंडी की गोड़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर उनका मालिक खड़ा है। बाकी ये बच्चे इन्हीं के हैं, बहुत क्यूट से बच्चे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं और व्यू इतना अच्छा लग रहा है, ये देखो। देन यहाँ पे हमारा जो अचार के लिए आज मम्मी आम लेके आई थी वही सूखने की तैयारी चल रही है, अचार की तैयारी। सो ये है रात का वीडियो, एक्चुअली मैंने अपना वीडियो एंड कर दिया था बट फिर रात को मम्मी अचार बना रही थी तो सोचा मैंने कहा अगर मैंने आम कटे हुए दिखा रखे हैं तो मैं आप लोगों को अचार भी दिखा दूँ। तो मम्मी बना रही हैं अभी अचार और अभी बज रहे हैं रात के 10 और आज ये वीडियो नहीं आ पाएगा, यानी कि 8 को नहीं आएगा, तो मैं 9 की मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं मम्मी ने और ये डब्बा नहीं था तो अभी मम्मी इसको सिर्फ अभी कुकर में डाल रही हैं, बोल रही हैं कि कल मैं इसको डब्बे में डालूंगी और मुझे बोल रही तेरे को पता है इसमें क्या क्या मिक्स किया है, तो मैं बोल रही हूँ कि आपने मुझे बताया नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि मम्मी बाहर पे घूम रही थी तब मम्मी ने ये करना स्टार्ट किया। सो देखो अभी हमारे अचार का सीज़न स्टार्ट हो गया है, देन किस किस ने बना लिया है कमेंट करके बताना। गाइस अभी मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है हमेशा, मैं सोच रही हूँ इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, देन नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा। आजकल व्लॉग आने में आज तक थर्ड डे में आता था, अब आएगा फोर्थ या फिफ्थ डे में, बिकॉज आजकल टाइम नहीं होता, मन नहीं करता तबीयत की वजह से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.